आज फिर से हम लोग देखेंगे 10th क्लास का मैथ चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों थोड़ा आज क्वेश्चन थोड़ा हटके बनाने जा रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं। पहले लॉन्ग टर्म आते थे, उसके बाद शॉर्ट टर्म आते थे। आज हम लोग पहले शॉर्ट टर्म में एंट्री करेंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म में भेजेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है। चलिए सबसे पहले आप एक नहर बना लीजिए। चलिए फिगर तो मैंने पहले से बना रखा है, लेकिन चलिए एक बना लेते हैं। सपोज ये आपका नहर है, नहर इतना चौड़ा है। बोल क्या रहा है कि नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। सपोज इस तट पर यहाँ पे एक टावर खड़ा है, सपोज इसको हम टावर मान लेते हैं। तो इस पॉइंट से लेकर हम दूसरे छोर की ओर जाएंगे तो ये आपका क्या हो गया, नहर का चौड़ाई हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया आपका, नहर का चौड़ाई हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। बोला टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से, टावर के से सामने नहर जो नहर का दूसरे छोर में यानी इस पॉइंट पर शिखर का उनियन कोण, यानी किसका शिखर, ये आपका टीवी टावर का शिखर, इसका उनियन कोण कितना दिया है आपका 60 डिग्री, जो फिगर में दिख रहा है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाएंगे, किधर जाएंगे, इस बिंदु से हम 20 मीटर दूर जाएंगे, आ गए हम 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उनियन कोण 30 डिग्री। देखिए जानबूझ के ये सेंटेंस बहुत लंबा किया हुआ है, तो टू द पॉइंट पे आइए कि 30 डिग्री का कोण जो बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, पहले ये जानिए, अन्य बिंदु पे यानी 20 मीटर की दूरी जो गया वहीं पे बन रहा है, वो भी कहाँ से, टावर के शिखर से, सेम इसी पॉइंट से, यानी यहाँ पे बना आपका 30 डिग्री का एंगल। तो क्या बोल रहे, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कौन हो गया आपका, ये है, यानी इसका नाम दे दीजिए ए, बी दूसरे छोर का नाम सी और इस पॉइंट का नाम डी। तो सी डी का डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 20 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई यानी कि ए बी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए और नहर की चौड़ाई यानी बी सी चाहिए। ठीक है, दोनों सेम फिगर है, इस तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं, हमारा टारगेट क्या है, ए बी और बी सी, हमारा टारगेट है ए बी और बी सी। तो ये दोनों को लाने के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक 60 डिग्री वाला है एक 30 डिग्री वाला है। तो चलिए जब हमें ए बी भी चाहिए बी सी भी चाहिए, टारगेट पहले किसी को भी करें, हमें दोनों को तो लाना है। तो हम सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं, हम टारगेट करेंगे ए बी का, टारगेट करेंगे क्योंकि ए बी क्या है, ये छोटा ट्राइंगल में भी है और ए बी क्या है बड़ा ट्राइंगल में भी है, इसका हम कॉमन निकालने का कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं छोटा ट्राइंगल में, तो 10 60 डिग्री का हम यूज करने जा रहे हैं। तो 10 60 डिग्री का यूज करेंगे तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। अभी क्या है कि 10 60 डिग्री यानी टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, जो उसका वैल्यू है √3। अगर हम पी को सिंगल रखना चाहेंगे और बी इधर आ गए तो ये अपने आप इंटू हो जाएगा ना, ये तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट ए बी इक्वल टू √3 60 डिग्री का जो वैल्यू लगाया वो इंटू, जो बी के रूप में नीचे था इधर लाएंगे तो डायरेक्टली ऊपर में इंटू हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उसी तरह मैंने क्या किया, 10 30 डिग्री के लिए भी हमने यूज किया, तो ए बी को सिंगल मैंने इधर लिखा और जो बी डी जो था 30 डिग्री के वैल्यू के साथ डायरेक्ट मैंने इसको इंटू किया। अब बोलिएगा सर बी डी की जगह पे आप बी सी प्लस सी डी क्यों लिखे, बिकॉज बी डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। बोले सर आपने ऐसा क्यों किया, कि मेरा टारगेट बी सी भी तो है ना, इसलिए बी डी को कन्वर्ट हमको करना है बी सी के फॉर्म में। तो बी सी का फॉर्म में करेंगे तो सिर्फ बी सी लिखने से तो बी डी मिलता नहीं ना, तो इसलिए बी सी प्लस सी डी हमने किया। अभी क्या है, सी डी का वैल्यू पुटिंग है यानी वैल्यू पता है, तो सी डी का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/√3 इंटू बी सी प्लस 20। ये तो समझ में आ रहा है। अभी बोलिएगा सर कि सर फिर आपने इधर क्या किया, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या प्राप्त किया था, ए बी इक्वल टू √3 इंटू बी सी अकॉर्डिंग टू द 10 60 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया, ए बी का वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पे √3 इंटू बी सी, यहाँ पे पुट किया, अभी 1/√3 इधर इंटू इधर आएगा तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर नीचे, तो √3 इंटू √3 पेयर मिलेगा तो रूट हट जाएगा, डायरेक्ट 3 मिलेगा। बी सी क्या इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सिंगल बचेगा 20। अब 3 में 1 गया तो 2 बचेगा, 2 इधर आएगा तो डिवाइड आएगा, डिवाइड होगा तो काटेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो इस तरह हमारा बी सी कितना मिल गया, 10 मिल गया। अब हमारा टारगेट क्या है, ए बी, एक तो मिल गया ना, अब हमें ए बी चाहिए। तो ए बी में क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखिए और बी सी का जो वैल्यू फाइंड होगा पुट कर दीजिए।
तो बी सी को वैल्यू 10 है, 10 लगा दिए, हो गया। तो हमारा ए बी भी मिल गया आपका कितना, 10√3। ये तो समझ में आ गया ना दोस्तों। तो आप ऐसा भी टारगेट करके इसका जवाब आप ला सकते हैं। लेकिन अगर 10th क्लास के बच्चे अगर पूछे सर इतना शॉर्ट टर्म में बनाएंगे तो कैसे चलेगा, हो सकता है कुछ कुछ बच्चे थोड़ा सा कम समझते हैं या फिर इस रेंज में नहीं जा पाते, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये कंसेप्ट था कि सर क्वेश्चन बनाने के लिए मेन पॉइंट क्या है, यही मेन पॉइंट है, आपका आंसर इसी पॉइंट को पकड़ने से आपका आएगा, यानी क्वेश्चन को कहाँ पे हम पकड़ेंगे कि तुरंत सॉल्व होगा। तो उस वजह से हमने इस टाइप से आपको बताया। अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप बारे से इसको बनाना सीखेंगे। आंसर तो समझ में आ गया क्या है, चलिए कुछ हद तक इसको मिटा देते हैं और इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल में आते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप उसमें लिख सकते हैं उसका वैल्यू, कि मान लिया कि ये दिया हुआ है और ए बी इज टावर की हाइट और नहर की चौड़ाई बोल सकते हैं, तो नहर की चौड़ाई बी सी है, तो ये आप लिख सकते हैं। इतना छोटा सा काम आप कर सकते हैं, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन की ओर एंट्री करते हैं। तो हम लिख सकते हैं आपका कौन सा ट्राइंगल पे में एंट्री करेंगे, हम ट्राइंगल ए बी सी। आप इसको बेहतरीन लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो आप ए बी सी में क्या फाइंड कीजिएगा, ए बी सी में आप फाइंड कर सकते हैं 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, √3, और 10 थीटा के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा आपको, ए बी बाय ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू √3। अभी क्या करना है, सिर्फ ए बी का रहने देना, बी सी क्या डिवाइड है उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, इस तरह से ए बी इज इक्वल टू आपको मिल गया √3 × BC। तो इस तरह से हमारा ए बी यहाँ पे फाइंड हो गया। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे ट्राइंगल ए बी डी में हम देखेंगे। तो ए बी डी में देखेंगे तो क्या है कैलकुलेशन, सबसे पहले बी डी को अब तोड़ के लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। चलिए इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, बी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। ये तो टूट गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख, किसका यूज करेंगे, देखिए बड़ा ट्राइंगल में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 होता है। तो 10 थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय लिख सकते हैं हम ए बी बाय बी डी, ए बी बाय बी डी लिखेंगे इज इक्वल टू 1/√3 लिखेंगे। चलिए ऊपर आ जाते हैं, फिगर की जरूरत है क्या, चलिए मान के चलिए जरूरत है तभी हम यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं। तो ए बी का वैल्यू पता है क्या, ए बी का वैल्यू पता है √3 × BC। तो आप लिख सकते हैं ए बी की जगह पे, यहाँ पे ऊपर में ए बी की जगह पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं √3 × BC। नीचे आप लिख सकते हैं बी डी की जगह पे, बी डी की जगह पे क्या, बी सी प्लस सी डी। तो आप लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या है आपका, 1/√3 है। अब क्या करेंगे सभी को हम, चलिए ये पोर्शन आप देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं कुछ हद तक। अब आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कीजिए, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, आप इसको पूरी तरह से आप इधर उठा पटक दीजिए और इसको इधर उठा पटक के इंटू कर दीजिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो √3 √3 पेयरिंग मिल गया, तो डायरेक्ट हम 3 BC लिख सकते हैं। अब 1 के साथ इंटू करेंगे तो सेम ही मिलेगा, तो BC लिखते हैं, और CD का वैल्यू तो पता है 20, अब 20 ले लीजिए। अब आप यहाँ पे BC प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 3 BC में 1 BC जब मरेगा तो कितना जिंदा रहेगा, 2 BC जिंदा रहेगा, इधर बच जाएगा 20, 2 × में उधर जाएगा तो डिवाइड में रहें से काट दीजिए, 10 × 20, तो BC का वैल्यू आपको मिल गया 10 मीटर्स, जो नहर की क्या है, चौड़ाई है। अब AB का वैल्यू फाइंड करना है तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे 1 लिखकर क्या कर देना है, BC का वैल्यू पुट कर दीजिए ना, तो √3 × BC का वैल्यू 10, इसको रीअरेंज कर लीजिए 10√3। इस तरह से आपका इसका जवाब मिल गया, टावर की ऊंचाई भी मिल गया और नहर की चौड़ाई भी मिल गया। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।